युवा चेहरा, काम के प्रति निष्ठा, लगन, इस युवा चेहरे को गांव के लोगों ने अपनी कमान सौंपी है। प्रतिनिधि के रूप में तौफीक खान की प्राथमिकता सरेला गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है, जो गांव समाज की जमीन भू माफिया के कब्जे में है, उसे मुक्त कराकर सार्वजनिक सुविधा बहाल करना है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। खबरें आज भी के लिए इजहार खान की रिपोर्ट। जी आप अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम तौसीफ खान, पिता का नाम मरहूम फैयाज खान, ग्राम सरेला। आप जो है ग्राम प्रधान के हैसियत से आपका परिवार का सिलेक्शन हुआ है, इंतखाब हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, और गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, भरोसा किया है हम पे, और उस पे मैं 100% खरा उतरने का काम करूँगा। गांव की सभी समस्याओं का समाधान करने का 100% कोशिश करूँगा। आप मेरे ख्याल से वो पूरे ब्लॉक में देखने सबसे कम उम्र के प्रधान के प्रतिनिधि की हैसियत से आप मैदान में, तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे, ये जो कामयाबी मिली इस कामयाबी पर क्या कहेंगे? इस कामयाबी के लिए हमने निरंतर 4 साल से मेहनत कंटिन्यू किया है। गांव का जो भी समस्या होता था, सबका समाधान के लिए ब्लॉक से लेकर तहसील गाजीपुर, जो भी काम होता था मैं जाता था, 4 साल कंटिन्यू चला हूं, तो लोगों ने उसका परिणाम भी दिया है और हमें चुन के गांव का सम्मानित एक व्यक्ति प्रधान के रूप में चुना है, और ऐसे ही मैं गांव के लिए खरा उतरूंगा, कोशिश यही रहेगी हमारी। यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र की समस्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जच्चा बच्चा केंद्र की समस्या है, यहाँ पे जर्जर अवस्था में था, इसके लिए भी मैं प्रधान बनने से पहले ही एक मतलब एप्लीकेशन लिख के दिया था, और हमारे यहाँ मेमन नियुक्त भी है, वो बन के तैयार है, बस ढलैया बाकी है, मतलब प्रधान होने से पहले ही वो बन चुका है, ढलैया बाकी है सिर्फ। गांव की अन्य समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? जो गांव की अन्य समस्या है, सड़क और पानी का है और बिजली का है, इस पे पूरा ध्यान रहेगा हमारा, और पूरा कोशिश रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। यहाँ की जल निकासी की कैसी भी समस्या? जल निकासी का समस्या ठीक है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे नाला और गड्ढी में आ जाता है पानी, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, तो उसका सुधार किया जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि आपके ग्राम समाज की कुछ जमीनी है जिनको दबंगों ने कब्जा कर रखा है, उस पर आप क्या करेंगे? जो जमीन कब्जा है उसे मिलके हम SDM और आला अधिकारी से मिलके उस पर बात करेंगे, और जो गुंडई से कब्जा किया है उसको यहाँ से हटवाया जाएगा। तकरीबन कितनी जमीन कब्जा की गई होगी? अब तकरीबन तो फाइनल लिस्ट नहीं है हमारे पास, कुछ है लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं है, कितना कब्जा हुआ होगा इसका निकालते हैं लिस्ट तो पता चलेगा। अपनी कामयाबी पर गांव वालों को क्या संदेश देना चाहिए? अपनी कामयाबी पर पूरे गांव का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस उम्र में हमें एक मतलब सम्मानित पद दिया और हम पे भरोसा करके वोट दे के इस गाँव का प्रधान चुना है।